Hello my dear students, today I am going to discuss about a very important long question of optical instrument chapter, compound microscope. Okay, so pilamane ei compound microscope ku base kariki long type aur short type bhi ase. तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को भली भावे ही परिवो ना सुनो क्वेश्चन ए टाइप रा से जे विथ ए नेसेसरी रे डायग्राम डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड हेंस कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर. ओके, सो ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप रो लास्ट को गोटे दुईटा पॉसिबल केसेस आसीबो जोटा कि ऑब्जेक्ट रो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ने मैग्नीफाइंग पावर रो वैल्यू केते होची जहाँ को बेस करी कि प्रॉब्लम आसे. सो वीडियो को लास्ट जाए देखो एवं बुझिबा को चेष्टा करो. तो क्वेश्चन टा आराम से बुझि पाले ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप रिलेटेड लॉन्ग टाइप आसु कि शॉर्ट टाइप आसु कि न्यूमेरिकल्स आसु जहाँ आसु तुम निजे कर दे पारिबो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख पिला माने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेबा अगरु आगो माइक्रोस्कोप कौन आगो टिके माइंड रे चिंता करो जे माइक्रोस्कोप हला गोटे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ थ्रू रे आमे कौन करू ना वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को आमे मैग्निफाइड फॉर्म रे देखि परु. तो जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट की जनरली आमे नेकेड आय रे भी देखिबा भी इम्पॉसिबल हुए खाली आखिरे देखिबा इम्पॉसिबल हुए ताको आमे मैग्निफाइड फॉर्म रे ए इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आमे ताको देखि परु. ओके, तो जेमिति कि मु कहली जे क्वेश्चन रो फर्स्ट टॉपिक रे आसे लॉन्ग टाइप जदि आसीबो ए क्वेश्चन डा तले फर्स्ट आसे यार प्रिंसिपल. तो यार प्रिंसिपल बुझिबा अगरु तुम मैंने यार कंस्ट्रक्शन बाबद आइडिया रहा दरकार कारण कंस्ट्रक्शन टा यदि माइंड रे रहिबो तले आमे यार प्रिंसिपल को निजे लिखि दे पारिबा. ओके, सो कंस्ट्रक्शन ने देखो केमिति डायग्राम टा भल से देखो. तो ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप दुईटा लेंस को नै कंसिस्ट गोटे लेंस रो अपर्चर स्मॉल आउ गोटे लेंस रो अपरेचर कंपैरेटिवली लार्ज. ओके, तो माइक्रोस्कोप तुम मैंने देखी थी मेडिकल लैबोरेटरी रे बा तुम्हें भी तुम बायोलॉजी लैब रे देखी थी. तो माइक्रोस्कोप रो जो ट्यूब रो दीटा एंड थाए तो लास्ट एंड रे गोटे लेंस लगी थाए आउ तुम्हें जो आई साइड रे जो साइड रे देख सपोज मु ए पेन टा को बा ए ट्यूब टा को जदी माइक्रोस्कोप बोली इमेजिन करबी तले ए साइड रे बा आई साइड रे गोटे लेंस लगी थी आउ गोटे साइड रे पूरा लोअर एंड रे आउ गोटे लेंस लगी थी जो साइड रे कि ऑब्जेक्ट को आम ये स्लाइड रे रखिकी आम यू व्यू करूँ. ओके, तो से ये दुटा लेंस को कनसीस्ट. तो आई साइड रे जो लेंस रहा सेटा हूँ कह जाए आई लेंस मु लेंस ना देवी सपोज ई से भाई ऑब्जेक्ट को व्यू करने ऑब्जेक्ट साइड रे जो लेंसटा रहा सेटा को कहवा ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस या मुझे सिंबोलिकली रिप्रेजेंट करुच्ची ओ क्लियर. तो दुईटा यांक लेंस को मुझे कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रखिली. ओके, तो यार ऑप्टिकल सेंटर को सपोज मु कह सी यार ऑप्टिकल सेंटर को कह सी डैश. तो ए लेंस रो फोकल लेंथ भी स्मॉल ए लेंस रो फोकल लेंथ रा कंपैरेटिवली लार्ज देन द ऑब्जेक्टिव लेंस. ओके, तो सपोज ए लेंस रो फोकस टा ए पॉइंट रे अछि तो मु ऑब्जेक्ट को सपोज बियॉन्ड द फोकस रखिबी कारण मते रियल इमेज पाइबार अछि. जदि मु फोकस ऊपर रखिबी तले हमें कांसेप्ट वाइज जानि छै लेंस रो जनरल फार्मूला रु जे फोकस ऊपर ऑन द फोकस रे रहिले ऑब्जेक्ट इमेज टा इनफाइनाइट रे प्रोड्यूस हबो
जो स्पेशल केस टा के मु लास्ट डिस्कशन करी कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे जदी फोकस रहे ताहाले कोन होबो आ जदी फोकस ऑप्टिकल सेंटर भीतर रहे ताले इमेज टा को गोली फॉर्मेशन होबो ना मैग्निफाइड फॉर्म रे वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होबो रियल इमेज आसीबो नाही तेनु आमे रियल इमेज ना पई मु कोन करबी ना बियॉन्ड द फोकस तो एटा फोकस अछि तो फोकस रो बाहर मु ऑब्जेक्ट टा को चूज करली सपोज ऑब्जेक्ट को कहबी ए आउ बी ओके तो एठु तले गोटाए रे ऑफ लाइट पैरेलल हे कि पड़ेला प्रिंसिपल एक्सिस सहित तो सी आफ्टर रिफ्रैक्शन कोन करिवो ना सपोज ए डायरेक्शन ने गला तो अगेन आमे इमेज पाया पई जानि छे अति कम रे दुईटा रे ऑफ लाइट मीट करले जाय कि दुईटा रिफ्रैक्टेड रे मीट करले सही पॉइंट रु इमेज प्रोड्यूस होबो तले आ गुट रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर उ पकेबी ऑप्टिकल सेंटर रु पडुथवा रे ऑफ लाइट कोनोसी बेंड करे नाही विदाउट डेविएशन ने पड़ाए त माने एटा कोई भी सेकंड रे ऑफ लाइट तार एटा होची रिफ्रैक्टेड रे तो एई दुईटा को रे ऑफ लाइट जो जगह रे मीट कले सही जगह रु जदी गोटे परपेंडिकुलर लाइन रे ड्रा करबी तो एटा गोटे रियल इमेज दबो जोटा कोई ए डैश एटा कोई बी डैश एपट साइड रे ए लिखा हिच माने एपट साइड रे ए डैश एपट रे बी लिखा हिच माने एपट साइड रे बी डैश तो ये जो इमेज मिलला एटा को लेंस रु मिलला ना ऑब्जेक्टिव लेंस रु मिलला यार नेचर कोन ना रियल आ इनवर्टेड ओलटा कारण जदी ए मार्कर रो जदो सपोज टॉप टा को देखो रेड एंड टा जदी ए भला थिबो ऑब्जेक्ट टा जदी सपोज प्रिंसिपल एक्सिस रे ए पोजीशन ने थिबो इमेज मिलला को पोजीशन टा ए टाइप रे मिलबो ओके तो हो तो ए जो ऑब्जेक्ट थारु ए इमेज टा ठीके मैग्निफाइड फॉर्म रे आसीबो बट ठीके बडो फॉर्म रे फॉर्मेशन होबो क्लियर तो ए जोटा इमेज टा प्रोड्यूस हला तो ये ऑप्टिकल सेंटर रु केते डिस्टेंस ना सब जगह डिस्टेंस आमे मेजरमेंट करंती ऑप्टिकल सेंटर रु त ऑप्टिकल सेंटर रु ऑब्जेक्ट जाय डिस्टेंस टा को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह जाय त माने यू ओ कहबी एटा जेहेतु ऑब्जेक्टिव लेंस पे एटा ऑब्जेक्ट त यू ओ सिमिलरली ए लेंस रु ए इमेज टा जोटी फॉर्मेशन हला एटा कहबी वी ओ कारण एटा इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस पे ओके तो वर्तमान चिंता करिवार कथा हला जे ऑब्जेक्टिव लेंस रु मिलिथिबा इमेज टा वर्तमान गोटे ऑब्जेक्ट भली काम करिवो को भली काम करिवो ऑब्जेक्ट भली त माने या फ्रंट रे जदी एटा गोटे ऑब्जेक्ट भली एक्ट हुए तले एठु से बडा रे ऑफ लाइट मु पकेबी तो गोटे रे ऑफ लाइट को रूल अनुसार मु ऑप्टिकल सेंटर रु पकेबी से विदाउट डेविएशन ने ट्रैवल कर जीवो एटा प्रिंसिपल एक्सिस अछि तो एटा होची इंसिडेंट रे ये रिफ्रैक्टेड रे आ गुड रे ऑफ लाइट को सपोज पैरेलल कर जेतल पकेबी प्रिंसिपल एक्सिस सहित सी आफ्टर रिफ्रैक्शन ए टाइप रे जीवो त माने आफ्टर रिफ्रैक्शन से कोट मीट करिवो तो से डाइवर्जिंग हे कि जाउथबो त माने एई रे आ एई रे ए माने डाइवर्ज करी करी जाउथबे माने परस्पर ठार दूरे दूरे जाउथबे पैरेलल होबनी तो जदि मु कोन करबी ना बोथ द रे को जदि बैक साइड को बढेबी एग्जैक्टली जदि बैक साइड को बढाए ताले से माने कोन करबे ना गोटे पॉइंट रे मीट कर जिवे ओके तो से माने जो पॉइंट रे मीट कर जिवे सेई पॉइंट रे जदि मु गोटे परपेंडिकुलर लाइन रे ड्रा करबी प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर को सेटा हबो इमेज केते ना ए डबल डैश बी डबल डैश एटा होची फाइनल इमेज क्लियर तो ए जो इमेज टा हला एटा मे बी एई पर्यंत भी बा एठी जते बट बढेबो जदि मे बी सेटा एठी भी मीट करि पारे नहले ए दीटा को लेंस भीतर ही मीट करि पारे ओके सेति भई कंफ्यूज होबो नि किछ तो एठी हमें कोन कहले ना ए जो इमेज टा प्रोड्यूस हला फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश एटा कहार इमेज आ लेंस रो इमेज तेणु ऑप्टिकल सेंटर रु ए इमेज जाय डिस्टेंस को मु कहबी इमेज डिस्टेंस वीई आई लेंस पे इमेज डिस्टेंस से बड़ा आई लेंस पे ऑब्जेक्ट के थिला ना ऑब्जेक्टिव लेंस रु मिलिथिबा इमेज ता थिला ऑब्जेक्ट त माने एउठु ए जाय डिस्टेंस को मु कहबी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस त माने एउठु तरट कते कहबी ना यू ओ ओके सॉरी यू ई आई लेंस पे एटा होची इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एटा हला ऑब्जेक्टिव लेंस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एटा होची आई लेंस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्लियर तो ए जो इमेज टा को
मुू करी कौटि ना यही जगार मुझू करी तो सपोज ये आय डायग्राम करदे तो आय द्वारा इमेज को व्यू करहब है तो आय डायग्रामा सीना मुझे कली कि सब मन रखे आय लेंस पूरा नियर एंड रे आय थाए ता आयटा पूरा लेंस सहित प्रायत आटाच होगी थाए तुम मार्क कर जो मैंने लाबोरेटोरी टेस्ट करती अब्जेक्टर इमेज को मैग्निफाइड फॉर्म में माइक्रोस्कोप द्वारा व्यू करती से माने जो एंडटा जो लास्ट एंड रे थाए कही आई लेंस थाए यपट एंड रे ऑब्जेक्टिव लेंस तेणु आईटा पूरा क्लोज लेंस रो क्लोज को लेकिन से माने व्यू करती तो से आईटा ए लेंस रु एत डिस्टेंस न थिबो पूरा क्लोजली थिबो क्लियर तो वर्तमान कौन करी ना मुझे देखी जे जो आय रे आईटा रे जो इमेज फाइनाल इमेज मिलला आय थ्रु रु बा आय लेंस रु से केते एंगल क्रिएट करुछि प्रिंसिपल एक्सिस सहित एवं ऑब्जेक्ट भी केते एंगल क्रिएटेड करुछि ओके तो जदि मु फाइनल इमेज को एक्जाक्टली बैक साइड को बढ़े देबी ऊपर को बढ़े देला ऑब्जेक्ट जो साइज रो थिला से साइज रो एठी गोटे पॉइंट चूज करी से पॉइंट टा को सपोज मु ना देबी के ओके तो यदि के ना देबी तो से पॉइंट रु गोटे डॉटेड लाइन टे ड्रॉ करी कौटि की ना ऑप्टिकल सेंटर को आई लेंस रो जो ऑप्टिकल सेंटर थिला ओके तो ये ड्र कली तो ये जो आंगेलटा ये फर्मेसन करदे जेहेतु ऑब्जेक्ट साइज रो आंगेलटा ये फर्मेसन हो आय थ्रो रे तेणु यू कह थीटा ओ कौन कह थीटा ओ थीटा ओ मीन्स आंगेल क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट बाय द आय ठीक से भाई फाइनाल इमेजटा कौट प्रड्यूस है यहाँ ए डबल डैश बी डबल डैश सी भी से भाया प्रिंसिपल आक्स सहित जो आंगेलटा क्रिएट कर ए लाइनटा तेल यू कह के ना थीटा आई तो मैंने यही लाइनटा जोटा इमेज रो एंडिंग जाए अच्छी तो से लाइनटा जितक आंगेल क्रिएटेड करुच्ची प्रिंसिपल आक्सी सहित सहीटा है थीटा आई ठीक से भाई ऑब्जेक्ट साइज रु जदि गोटे लाइन टे ड्र करे इमेजिनरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर पर्यंत आय लेंस रो ताले सेटा हबो केते से आंगेलटा होची थीटा ओ तो मैंने ये थीटा आई आउ थीटा ओ होची कौन ना आंगेल क्रिएटेड बाय इमेज एंड ऑब्जेक्ट बाय द आय आट ए मिनिमम डिस्टेंस ओके तो मैंने मिनिमम डिस्टेंस रे ए आंगेल फॉर्मेशन होची थीटा आई आउ थीटा ओ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एटा कौन मु आउ टिके टॉपिक टा आगु गले मु डिस्कशन करेबी तो बर्तमान आमर फाइनल डायग्राम होची एतिकी बुझीला क्लियर बुझीपाल समस्ते तो आउ थे देख मु डायग्राम ओवरऑल टिके डिस्कशन करुच्ची जेहेतु टिके कॉम्प्लेक्स लागू थाई पारे डायग्राम ओवरऑल मु कहितली जे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अनदर इज आई लेंस द अपरेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉल एंड द अपरेचर ऑफ अपरेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कंपैरेटिवली लार्ज दैन द ऑब्जेक्टिव लेंस तो सपोज ये गोटे ऑब्जेक्ट थिला ए बी बियॉन्ड द फोकस तो सेटु गोटे रे ऑफ लाइट पैरेलल हो आसला परे आफ्टर रिफ्रैक्शन कुआडे गला टुवर्ड्स एयर ट्रैवल कला तो आउ गोटे रे ऑफ लाइट को तले ऑप्टिकल सेंटर को पकेली से दुईटा रे ऑफ लाइट जो मीट करगले से फाइनाल इमेज से प्रड्यूस है इमेज क्या इमेज एटा ऑब्जेक्टिव लेंस पर इमेज तेणु ऑब्जेक्टिव लेंस सेंटर रु ऑब्जेक्ट जाए है यूओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक से भाई ऑब्जेक्टिव लेंस सेंटर रु इमेज जाए डिस्टेंस टाला वीओ जोटा कि हूँ इमेज डिस्टेंस सिमिलरली ऑब्जेक्टिव लेंस एक्टिंग ऑब्जेक्टिव लेंस रु मिलता इमेजटा बर्तमान गोटे ऑब्जेक्ट भली काम कर कौ लेंस पर ना आई लेंस पर तेणु आई लेंस पर जेहेतु ये गोटे ऑब्जेक्ट हो दुईटा रे ऑफ लाइट जीवो सपोज यहाँ गोटे रे ऑफ लाइट ट्रैवल कला ऑप्टिकल सेंटर को विदाउट डेविएशन ने आउ गोटे रे ऑफ लाइट पैरेलल जो पड़ा सी कौन कर रिफ्रैक्टेड होगा डेविएटेड हो बोथ द रिफ्रैक्टेड रे को ऑब्जर्व करने डाइवर्जिंग होते मैंने जो बैक साइड बढ़ेबी जो पॉइंट मीट कला से परपेंडिकुलर लाइन ड्र करदेवी सेटा हम फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द आई लेंस तो से ऑप्टिकल सेंटर रु इमेज जाए डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस ऑफ आई लेंस तो ए ऑप्टिकल सेंटर रु ऑब्जेक्ट जाए डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई लेंस ओके तो ये इमेज को जदि मुझे इमेज आउ ऑब्जेक्ट बोथ गोटे मिनिमम डिस्टेंस के आंगेल क्रिएटेड कर आई सहित
आय सहित ऑब्जेक्ट आउ इमेज केते एंगल क्रिएटेड करुछि तो ए एंगल टाउ काहेकि आमे स्ट्रेस देके एठी एंगल कथा कोन पय आसुछि सेटा मु भी कहिबि टिके परे तो एंगल कोन ना एठी ऑब्जेक्ट रो साइज को चूज करिके ए इमेज उपरे गोटे ऑब्जेक्ट साइज रो गोटे पॉइंट नेली के से डॉटेड लाइन ने ड्रा कर देली सी डैश तले जो एंगल क्रिएटेड कला सेटा को आ जाय एंगल क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट थीटा ओ पुनी इमेज टा जो एंगल क्रिएटेड करुछि सेटा को कहिबि एंगल क्रिएटेड बाय इमेज थ्रू द आय क्लियर तो एतिक होची कंप्लीटली तार कंस्ट्रक्शन और डायग्राम तो मु किंतु कंस्ट्रक्शन सेना बुझे देली आगो किंतु प्रिंसिपल को आ जाउतिला जे प्रिंसिपल कोन कहितली ना डायग्राम बुझले प्रिंसिपल लिखि परबा त माने प्रिंसिपल एटा कहिबा जे कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस देन ए रियल इनवर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड एंड दैट इमेज अगेन एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस एज ए रिजल्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द आई लेंस ए फाइनल इरेक्ट इनवर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म तो ये जो फाइनल इमेज टा प्रोड्यूस होला यार नेचर कौन कारण ऑब्जेक्ट आई जगह थिला माने इमेज टा आई जगह रे त माने एटा को कोन कहबा ना इरेक्ट कहबा इरेक्ट आउ केसे ना वर्चुअल एटा रियल नहि इनवर्टेड होबनी सॉरी इनवर्टेड होबनी त एटा हो इरेक्ट आउ वर्चुअल वर्चुअल कौन रियल भितर डिफरेंस कौन ना मु कहितली जे जो रे ऑफ लाइट दुईटा अंक जनरली मीट करिये गला पर इमेज प्रोड्यूस करथुबे से मानु को हमें रियल इमेज कहबा जो माने जनरली जते एक्सटेंडेड कले भी मीट करनथुबे आमे ताको बैक साइड को बढे कि डॉटेड लाइन ने मीट करेबा सेटा को आमे वर्चुअल इमेज कहबा कारण सेटा रियल इमेज नुहे कारण आमे देखो ए जो दुईटा रे ऑफ लाइट डाइवर्जिंग हे कि परस्पर ठ दूरे दूरे जाउचंती आमे ताको बैक साइड बढे कि मीट करे कि इमेज पाइचे तमन ए इमेज टा होची वर्चुअल इमेज रियल इमेज नुहे त ए जो इमेज टा मिलिला फाइनल तार नेचर कोन ना वर्चुअल इरेक्ट आउ कोन हाईली मैग्निफाइड बोली कहि परबा ओके त माने एई ऑब्जेक्ट पई आमे इमेज देखले एटा क्लियर तो एटा होची तार प्रिंसिपल त माने ता प्रिंसिपल ले ऑब्जेक्ट ता को जगह थिला इमेज कोठी हला ऑब्जेक्टिव लेंस पई एवं सेटा पुनी आई लेंस पई ऑब्जेक्ट भली काम गला जा फलर फाइनल इमेज ता जोठी मिलला तार नेचर कोन हला सेटा को ट्रांसलेट करके लिखि देले सेटा हिजबो कोन तार प्रिंसिपल ओके आ कंस्ट्रक्शन त बुझै देतिली फर्स्ट कंस्ट्रक्शन गला कथा गला तो नेक्स्ट आसीबा मैग्निफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन मैग्निफाइंग पावर मैग्निफाइंग पावर देख पिला माने टिके मन पकाओ जे जते बेले आमे लेंस फार्मूला पढ़ुतले तो सेते बेले आमे कहितले जे मैग्निफाइंग पावर रो जनरल फार्मूला होची जे मैग्निफिकेशन सेट तो किछ मैग्निफाइंग पावर नथला मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन को कहुतले इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एम इक्वल टू वी बाय यू जोटा कि जनरल फार्मूला थिला एम इक्वल टू आई बाय ओ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो ओके तो एठी किंतु ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर रे सब जगह रे बस प्रत्येक टॉपिक रे आमे आउ मैग्निफिकेशन को एवला डिस्टेंस रो कि साइज रो रेशियो हबे इंडिकेट करबा नाही तले आमे ताको मैग्निफिकेशन को केमी डिफाइन करबा ना आय द्वारा क्रिएट होतबा एंगल रो रेशियो द्वारा आमे एटा को रिप्रेजेंट करबा तो आय द्वारा क्रिएट होतबा एंगल रो रेशियो मींस त माने मैग्निफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल क्रिएटेड बाय इमेज टू द एंगल क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आय त माने आय पाक थ्रू रे एंगल केते क्रिएट करू इमेज रो डिवाइडेड बाय एंगल केते क्रिएट करू ऑब्जेक्ट रो से रेशियो को कहा जाए मैग्निफाइंग पावर त माने ये भी सही भली इमेज बाय ऑब्जेक्ट फॉर्म रे अछि हमर जनरल मैग्निफिकेशन रूल को भी ये डेविएट करिनी कारण जनरल मैग्निफिकेशन रूल थला जे सब बेले इमेज बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर्म रे रहिबो इमेज बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रो नले इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज रो तो एठी किंतु एंगल फॉर्म रे अछि एंगुलर फॉर्म रे थीटा आई बाय थीटा ओ ओके तो ए थीटा आई आ थीटा ओ जनरली बहुत स्मॉल ता माने आमे जति केठी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करचंदी ये माने एते एंगल नथिबे वेरी स्मॉल एंगल थिबे कारण लेंस गोटे माइक्रोस्कोप ट्यूब रो केते छोटिया लेंस रे थिबो
ऑब्जेक्ट भी आम बेसिकली वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को एम मैग्निफाइड फॉर्म में व्यू करती तेणु एंगल गुड़ा वेरी स्मॉल तो एंगल गुड़ा जब वेरी स्मॉल हम तो आम रिप्लेस कर परिबा तार टैंजेंट कंपोनेंट रे अर्थात टैन थीटा आई डिवाइडेड बाय टैन थीटा ओ ओके तमें ये थीटा आई आउ थीटा ओटा वेरी स्मॉल जो तार रिप्लेस करागला टैंजेंट हम तमें ये मेंशन कर परिबि आज थीटा आई एंड थीटा ओ आर वेरी स्मॉल ओके तो वर्तमान मुझे कौन करी ना टैन थीटा आई आउ टैन थीटा ओ वैल्यू को कैलकुलेट करी जे ए जो डायग्राम रे रे डायग्राम रे मुझे देखी जे टैन थीटा आई कौ राइट एंगल ट्रायंगल को लेकिन कंस्ट्रक्ट डिटरमाइन हो पार से टैन थीटा ओटा कौ राइट एंगल ट्रायंगल को लेकिन डिटरमाइन हो पार टैन थीटा आई देख पाने यटा तो टैन थीटा आई बाहर करा सपोज मुझे कह डबल डैश सी डैश बी डैश बा ए डबल डैश सी डैश ये जो बड़ राइट एंगल ट्रायंगल देखु ये बड़ राइट एंगल ट्रायंगल एंगलटा को आम थीटा आई नहीं चे ताने मुझे कहीपरि के इन ट्रायंगल के डबल डैश बी डबल डैश सी डैश टैन थीटा आई इक्वल टू आम जानचे गोटे राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बाहर करा टैंजेंट ऑफ एंगल बाहर करने तार फॉर्मूला हूँ पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस तो परपेंडिकुलर किए हम ना आंगेल फ्रंट सैडटा हूँ परपेंडिकुलर सब कोणर सम्मुखीन बाहू को आम लंब कहते तो थीटा आई फ्रंट लाइनटा हूँ फ्रंट सैडटा हूँ ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय बी बी मीन्स ए डबल डैश सी डैश क्लियर तो एगेन इन ट्रायंगल पुणी कहबी थीटा ओ पाया कौ ट्रायंगल ये गोटाए मात्र ट्रायंगल अच्छी के ए डबल डैश सी डैश तो मैंने के ए डबल डैश सी डैश टैन थीटा ओ इक्वल टू सी भी सभी पी बाय बी यार फ्रंट साइडटा है पी ए साइडटा है बी तो मैंने के ए डबल डैश बाय ए डबल डैश सी डैश ओके अच्छा माइंड रे तुम आसुव जे ए डैश बी डैश सी डैश रो एंगल भी थीटा आई थिला तो ए छोटो ट्रायंगल टाक भी नहीं थिले मु टैन थीटा आई बाहर कर दे थांती तो बाहर कर दे थांती जे किंतु गोटे मते प्रॉब्लम अराइज करया पड़ थांदा कारण वर्तमान देख मु एतले थीटा आई आउ थीटा ओ रो ए दुईटा को वैल्यू को मु एटी यूज करबी ताले ए डबल डैश सी डैश टा कैंसिल हो जइबो किंतु सेठी आइतले गोटे आस्तांता ए डबल डैश सी डैश या पई आस्तांता तले ए डैश सी डैश जोटा कि कैनसल हो ना से मत योटे बड़ ट्रायंगलटा कनसीडर को नाक पड़ा तो बर्तमान एम फॉर्मूला जहाँ थी सीट पकईदेवी तो देयरफोर एम इक्वल टू के टैन थीटा आई बाय टैन थीटा ओ तो मैंने ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डबल डैश सी डैश डिवाइडेड बाय टैन थीटा ओ यहाँ था ये टोटालटा को डिवाइड करने अपेक्षा रिवर्स करके मुझे मल्टीप्लाई करदेवि इंटू ए डबल डैश सी डैश बाय के ए डबल डैश ओके तो बर्तमान यार आज किसी कम ना तो ये बर्तमान देख ए डबल डैश सी डैश ए डबल डैश सी डैश कैनसल है तेल रही है किए ना ए डबल डैश बी डबल डैश बाय के ए डबल डैश और यू कहीपर ए डबल डैश बी डबल डैश बाय देख पे के ए डबल डैशा जहाँ से बी सहित सेम नुहे कि कारण आम ए बी सहित इक्वेट करके मैंने डिवाइडेड बाय ए बी ये साइड रे मेंशन कर देबी जे कौन ना यहाँ हूँ के ए डबल डैश इज इक्वल टू ए बी तो मैंने यार साइज हूँ सेम के ए डबल डैश साइज ए बी साइज सेम क्लियर तो वर्तमान आम पाइले एम इक्वल टू ए डबल डैश बाय ए बी ओके तो वर्तमान देख और यटा को मुझे सिंप्लीफाई करी एम इक्वल टू ए डबल डैश डिवाइडेड बाय इनटू तले लिखिपर डिवाइडेड बाय देकी ए बी कहीं ना मत गोटे सामान टर्म ये सपोज मु मल्टीप्लाई करी आमान टर्म भी डिवाइडेड करी सपोज ए डबल डैश बाय ए डैश बी डैश इनटू ए डैश बी डैश बाय ए बी एमती करके
कारण देख सामान टर्म ये किएस ए डैश बी डैश एटी डिवाइडेड कली ए डैश बी डैश ये मल्टीप्लाय कली तो एमती करवा द्वारा बेनिफिट कौन मत मिलला देख तो और एम इक्वाल टू ए जो ए डबल डैश बी डबल डैश एटा कौन एटा हूँ इमेज क्या आई लेंस से भाई ए डैश बी डैशा कौन एटा हूँ ऑब्जेक्टर साइज क्या से आई लेंस तमाने इमेज रो साइज बाय ऑब्जेक्ट रो साइज बोथ आई लेंस रे पई रेशियो टा कुआ जाय मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस एमई ठीक है पूर्वर कहतली जे हमें इमेज रो साइज रो रेशियो को कोंदी मैग्निफिकेशन त ए डैश बी डैश सॉरी ए डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश एटा को कहबी एमई ए टोटल टा ओके पुनी इनटू ए डैश बी डैश टा कोन ना सेटा इमेज साइज ऑफ इमेज कहा पई ऑब्जेक्टिव लेंस पई से भाई ए बीटा कौन ऑब्जेक्ट कहाँपाई ऑब्जेक्टिव लेंस तेणु ऑब्जेक्टिव लेंस ये साइज ऑफ इमेज ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से कह एमओ कौन कह एमओ क्लियर तो वर्तमान यू सपोज गोटे इक्वेशन दे देवी वन तो यही इक्वेशन वन मुझे एमओ आउ एमओ वैल्यू को आगे डिटरमाइन करी आईक्वेसन वन पकईदेवि पकईदे मत फाइनाल मैग्निफाइंग पावर मिल जाव क्लियर देख तो फास्ट मुझे कह मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस नाउ एमओ एमओटा केते ना ऑब्जेक्टिव लेंस ये सिंपल थिला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये थिला इमेज तेणु एमओटा जनरली गोटे लेंस पे आम ये कहींपर जे भि बाय यू तमाने इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इमेज डिस्टेंस डिस्टास्ट के तो ए लेंस पे इमेज डिस्टेंस होची ऑब्जेक्टिव लेंस पे वीओ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होची के ना यूओ वीओ बाय यूओ क्लियर तो ये जो वीओ बाय यूओ एटा होची कौन ना मैग्निफिकेशन बाहला को लेंस पे ना ऑब्जेक्टिव लेंस पे से भली मु वर्तमान बाहर करी नाउ मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस केते सेटा एमई बिकम्स केते हबो ना एमई टा बाहर करबे तळे एमई टा रो फार्मूला होची एमई इक्वल टू देखो तो एमई टा डिटरमाइन केमिति करबे ना एमईटा जनरली आम इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर्म रे जदि नेबी वी बाय यूई सपोज मु सेटा को नली वी बाय यूई तो एठी लेंस फॉर्मूला को मु यूज करी सपोज अगेन यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस तो आई लेंस पे जब लेंस फॉर्मूला यूज करी कौन ना देख वन बाय के जाने आम वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वि माइनस वन बाय यू तो दैट इम्प्लाइज वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ प्लस वन बाय वि क्लियर तो बर्तमान मु जो वन बाय यू अच्छी यहाँ आई लेंस जेहेतु बाहर करुच्ची तो ये कौन कहीपर हियर वन बाय यूई इक्वल टू वन बाय एफ अच्छी जेहेतु यू कह एफ इ कारण प्योरली आई लेंस लेंस फर्मूलाटा यूज हो लिखागला प्लस वन बाय भि मीनस यू कह वन बाय भिई है तो बर्तमान मुटा को यूज करदेवि कौटी ना यहाँ भि बाय जो यूई अच्छी आणिक ये जगह मुझे यूज करदेवि तो मैंने वन बाय यूटा रहा भिईटा खाली तक तो मल्टीप्लाय हो तो भि मल्टीप्लाय हेले के देख ना नाउ इक्वेशन सपोज यू देदेवि मु इक्वेशन टू यटा को देदेवि इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री बिकम्स ना एमई इक्वल टू देख के ना भि इंटु वन बाय एफ प्लस वन बाय भि त
ताले भी इटा जदि मु मल्टीप्लाई कर देबी ताले इ केते हे जइबो दैट इंप्लाइज एम ई इक्वल टू 1 प्लस वी बाय एफ ई ओके तो 1 प्लस वी बाय एफ ई वाला एम ई रो वैल्यू आ एम ओ रो वैल्यू जनरली होची एम ओ बाय यू ओ अच्छा जदि एठे मु साइन कन्वेंशन यूज कर थांती देखो आमे जानिचे जे साइन कन्वेंशन ने जदि कोनोसी रे ऑफ लाइट रो अलोंग रे जदि कोनोसी डिस्टेंस को मेजरमेंट करले सेटा पई आमे नियंती पॉजिटिव रे ऑफ लाइट रो अगेंस्ट मेजरमेंट करले ता पई होची नेगेटिव तनो रे ऑफ लाइट रो अलोंग रे मींस एठे देखो वी ओटा रे ऑफ लाइट रो अलोंग रे जाउ मेजरमेंट होची कारण इमेज साइज जगह अछि आमे मेजरमेंट करबा ए जगह रु तनो ए डिस्टेंस पई पडियो पॉजिटिव प्लस वी ओ किंतु एही पॉइंट रो आमे तले ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस को मेजरमेंट करूचे अगेंस्ट द इंसिडेंट रे तनो इट हैज जो माइनस तनो एठे मु माइनस साइन भी इंट्रोड्यूस करि परिबि माइनस वी ओ बाय यू ओ ठीक से बड़ी इक्वेशन 3 रे एम ई टा को देखो ए जो आई लेंस पई भी इटा केते भी इटा भी देखो अगेंस्ट द इंसिडेंट रे कारण भी इटा एउठु याड को मेजरमेंट होउची इंसिडेंट रे सब लेफ्ट टू राइट को जानती आमे मेजरमेंट करचो एठी लेफ्ट टू राइट एड को सॉरी राइट टू लेफ्ट एड को मेजरमेंट करचे रे ऑफ लाइट जाय लेफ्ट टू राइट एड को तो तेणु करी एठी भी इटा भी हबो माइनस यू ई भी हबो माइनस सेति पई माइनस माइनस कैंसिल हेकी जनरली रहिची भी बाय यू ई ओके तो वर्तमान आम एम ओ रैल्यू पाई इक्वेशन थ्री रु सरी टू रु एम ई रैल्यू पाई फाइनाल वैल्यू यहाँ इक्वेशन सपोज ना दे दी यार फोर तेल इक्वेशन टू आउ फोर को मुझे यूज करी इक्वेशन वन क्लीयर तो यहाँ को वैल्यू दूँ तो कह नाउ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन टू एंड फोर इन इक्वेशन वन वी गेट तो टू आउ फोर वैल्यू को जब इक्वेशन वन ने मुझे यूज करी ताले कौन हम ना देख इक्वेशन वन टा थिला एम इक्वल टू एम ई इंटू एम ओ ताले दे आर फोर एम इक्वल टू मैग्निफाइंग पावर इक्वल टू एम ई एम ई माने वन प्लस वी बाय एफ ई एम ओ दैट मीन्स माइनस वी ओ बाय यू ओ तो माइनस वी ओ बाय यू ओ इंटू वन प्लस वी बाय एफ ई क्लियर तो यहाँ बाहर मैग्निफाइंग पावर अच्छा आउ गोटे सर्टकट ट्रिक मन रख जे आम जो आई लेंस जेनराली मुटा को डिस्टेंस फर्मूला लिखिकी लेंस फर्मूला यूज करके आनली तो जेनराली यही फर्मूलाटा देख आम अलरेडी सिंपल माइक्रोस्कोप डिराइव करे तो मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप या पूर्व टॉपिक रे पढ़ीच तो सिंपल माइक्रोस्कोप रिलेटेड मु वीडियो भी तुम पाक सेंड करदेवि देख तो से डायरेक्टली मैग्निफिकेशन टा एम वन प्लस वी बाय एफ भी आम यूज कर पारि था मैंने ये खाली लिखाई था जे आज द एम ई द मैग्निफाइंग आज द एम ई इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस व्हिच इज सिमिलर टू द मैग्निफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप सो वी कैन राइट दिस फर्मूलाटा लिखिक भी आम यूज कर पारि था ओके तो ये कितु कौन कले ना ये फर्म को आनले अच्छा आउ गोटे केस देख बर्तमान तो ये भी ओटा आम कहे तो भी ओटा जेनराली माइक्रोस्कोप रो लेंसटार यूई यूईटा बहुत सान मीन्स ये इमेजटा मिलला ऑब्जेक्टिव लेंस रो ऑब्जेक्ट भली काम करुची ए लेंस रो तो आई लेंस पाई ये ऑब्जेक्टा ए डैश बी डैशटा सब वेरी क्लोज टू थाए का सहित ना आई लेंस सहित तो मैंने आई लेंस वेरी क्लोज थाए बुझी जहाँफल ये जो इमेजटा कारण यहाँ जिते क्लोज हम इमेजटा से बड़ हम आउ मन रखे जो इमेजटा प्रड्यूस हो इमेजटा ऑप्टिकल सेंटर आउ आई लेंस फोकस भितर हो कारण ऑप्टिकल आई लेंस फोकसटा यही इमेज बाहर थी बुझे कारण फोकस आउ ऑप्टिकल सेंटर भितर ऑब्जेक्ट रे इमेजटा गोटे भर्चुआल इमेज फॉर्मेशन हुए आम जाचे बुझे तो तेणुक यार फोकसटा ये ऑब्जेक्टर बियंड द ऑब्जेक्ट थी कौटा जो फोकसटा कौ लेंस आई लेंस तो ताने यहाँ जिते क्लोज हो पलि आस ऑब्जेक्टा जिते क्लोजली फर्मेसन हम आई लेंस रमें इमेज को से मैग्निफाइड फर्म देखिपर
कारण कंपाउंड माइक्रोस्कोप रो हमर मेन एम हला हमें केते छोटो ऑब्जेक्ट को रो इमेज को हमें केते बड़ो फो करके हमें देखि परुचे बा क्लियरली बा डिटेल्ड व्यू हमें केते पाई परुचे बुझि परुचो कि तो सेति पई मु एटी कोन कहबी ना ए ऑब्जेक्टटा सपोज वेरी क्लोज टू आइलैंड्स तो वेरी क्लोज टू आइलैंड्स माने यूईटा से जगह नेग्लेक्टेड त माने यूईटा आसीबोनी किछि एते डिस्टेंस आसीबोनी यूईटा ए ऑब्जेक्ट पर डिस्टेंस थला त माने टोटल ए डिस्टेंस का सहित समान हे जो वी ओ सहित समान हे जो बुझिपारो ना कौन कहूँ जदि यो इमेजटा प्रड्यूस है इमेजटा जब भेरी क्लोज टू द आइलैंड्स है से केस ऑब्जेक्ट डिस्टेंसटा नेग्लेक्टेड आउ टोटालटा यहाँ भि ओ सहित सामान हो भि ओटा से केस सहित सामान एल सहित सामान एल मान लेंथ अफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब कारण गोटे माइक्रोस्कोप ट्यूब्र लेंथ कहला मैंने आइलैंड्स रु ऑब्जेक्टिव लेंस भितर डिस्टेंस को बुझाए को लेंस भितर आइलैंड्स आउ ऑब्जेक्टिव लेंस भितर डिस्टेंस तेणुक ये जो आइलैंड्स आउ ऑब्जेक्टिव लेंस भितर जो डिस्टेंस को बुझाए कोटा को ना लेंथ अफ द माइक्रोस्कोप तेणु यही भि ओ जगार मुझे रिप्लेस करी क्या ना एल को मैंने और यू कहीपर नियरली इक्वाल टू माइनस एल डिवाइडेड बाय तो यूओ जे थिला तो यूओटा से कौन हम ना यूओटा सपोज ये फोकस रखापाखी थी बेस दूर भी रही तो फोकस रखापाखी हेल्ले जाए कि ये जो इमेजटा यार पखापाखि आई लेंस रखापाखि कौन हम फर्मेसन हम तेणु यूओटा से केस के ना एफओ फोकल लेंथ अफ ऑब्जेक्टिव कारण ये जो फोकसटा यहाँ हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ ओके तो माइनस एल बाय एफओ होल इनटू वन प्लस वीई बाय एफई कैसे ना मैग्निफाइंग पावर तो यहाँ हूँ तार जनरल फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप रो बुझेगा आउ थे कहीदे जो भि ओटा ये क्या सहित सामान ना लेंथ अफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब सहित सामान कहीं जो इमेजटा ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्मेशन हो आई लेंस पूरा नियर रेंड रे आउ से केस रे ऑब्जेक्टा पूरा फोकस पाखापाखी फॉर्मेशन होता हूँ एफओ ओके जाणीगला तो यहाँ एम नियरली इक्वाल टू के पाइले ना माइनस एल बाय एफओ होल इनटू वन प्लस वी बाय एफई तो यहाँ हूँ तार जनरल फॉर्मूला तो फास्ट रू कहली जे ये दुईटा केस आरइज कर कौन कौन केस देखा दुईटा पॉसिबल केसेस ये आरइज कर तो फास्ट कह केस वन तो केस वन देख केस वन कह जदि आई लेंस रु जो इमेजा मिलूँ फाइनाल इमेज से मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में फॉर्मेशन होता है तमाने भिईटा जदि डी सहित सामान भि इक्वाल टू नियरली इक्वाल टू डी कैपिटल डी डी है गोटे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन केते मिनिमम डिस्टेंस रे आमे रखिले एडजस्ट कले लेंसटा को आमे कौन करिबा ना आई थ्रू रे इमेज को क्लीयरली व्यू कर पारिबा मैग्निफाइड फॉर्म रे जोटा कि प्राय तो जनरली आम 25 सेंटीमीटर बोली नहीं था तो ये जो भिटा डी सहित जो सामान हुए तो मैंने केस वन ने कह व्वेन द फाइनाल इमेज फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज मिनिमम डिस्टेंस और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहीपर दैट इज भि नियरली इक्वल टू डी देन तले कते हिजबो ना भि जदि डी सहित समान हिजबो तले एम इक्वल टू माइनस एल बाय एफओ होल इनटू सेटा कते थिला 1 प्लस भि बाय एफ थिला 1 प्लस डी बाय एफ ओके तो एई फार्मूलाटा बेसिकली सब जगह यूज हुए प्रोब्लेमेटिकली जे मा एम इक्वल टू माइनस एल बाय एफओ होल इनटू 1 प्लस डी बाय एफ ओके तापर केस टू तो केस टू कौन कौच जे जदि फाइनल इमेजटा ए डबल डैश बी डबल डैश सेटा जदि इनफानाइट रे प्रड्यूस होला तो टिक चिंता करो ए जो ए डबल डैश बी डबल डैशटा इनफानाइट रे केते बेले प्रड्यूस होबो जदि ऑब्जेक्टटा फोकस रे थाए कारण फोकस रे थिबा वाला ऑब्जेक्ट रु जदि रे ऑफ लाइट आसिकी लेंस थ्रो रे पास करे आफ्टर रिफ्रैक्शन से माने पैरेलल हेकि जेबे तो पैरेलल हेकि जे माने इमेजटा आमे कहबा मे बी फॉर्मड एट इनफानाइट तो सही केस रे कोन होबो त माने व्हेन
The image is formed. Image माने को image? Final image कोई परिवी. Final image is formed at infinity. जदि final image टा infinity रे produce हुए, तले सही case रे कौन हबो? ना सही case रे देखा इडी मुले की दोची. तो infinity रे produce चले, कते हिज बो? जो भी जो उटा कुन हुचे, तो सेटा कते हिज बो? Infinite. ता माने फाइनल इमेज टा जदि इनफाइनाइट रे प्रोड्यूस होला मींस एटी कहबी वी नियरली इक्वल टू इनफिनिटी तो वी जदि नियरली इक्वल टू इनफाइनाइट हला एटी चिंता कर कोन होई जबो ए जो फार्मूला टा को हमें कोन करथिले ना हमें वी टा मल्टीप्लाई करकी वी 1 प्लस वी बाय एफ हेइतला तो एटी यदि वी टा होई जबो इनफाइनाइट तले 1 बाय इनफाइनाइट हे के एटा 0 होई जबो तो 0 हे गेले खाली केतरो होबो वी बाय एफ ता माने एम ई जगह रही था भी बाई एफ भी जगह पुणी डी पड़ी जाए था ता माने फाइनल फॉर्मूला राइज कर था कते ना माइनस एल बाय एफ तो रहिला एटा तो ऑब्जेक्टिव लेंस रो मैग्निफिकेशन टा आ ए जो 1 प्लस भी बाई एफ आसी न था एटा जनरली खाली भी बाई एफ आसता कहीं की? ना भी टा एटी इनफाइनाइट अच्छा माइंड रे आसतो इनफाइनाइट तो एठी भी यूज हो पारिबो कारण ये मल्टीप्लाइड हे गछि एठी यूज करले टोटल वैल्यू टा इनफाइनाइट हे जइबो तेणु एटी यूज हेनी तेणु ओनली यही जगह जब यूज करी तेल ये के माइनस एल बाय एफ ओ इंटू से ना डी बाय एफ कारण भिटा डी सहित सामान तेणु भि बाय एफ टा हो बाय एफ क्लीयर तो यहाँ हूँ गोटे फर्मूला आस वन केस लिखा लेंथ अफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब एल रैल्यू के कारण एटी भिटा डी सहित सामान तो ये केस्रे लेंथ रोच क्या सहित सामान ना भिओ प्लस यू कारण मुझी ऑब्जेक्टिव लेंस आउ आई लेंस भितर डिस्टेंसटा हूँ लेंथ तो एल इक्वल टू भिओ प्लस यू किंतु जो केस्रे भिटा इनफाइनाइट हे तो मैंने फाइनाल इमेजटा जो केस्रे डी नई इनफाइनाइट हे तो इनफाइनाइट हेले कौन हम देख से केस्रे ना इनफाइनाइट हेले मुझी इनफाइनाइट कौ केस्रे पार जदि ऑब्जेक्टा रहे फोकस ताने यहाँ जदि फोकस ऑब्जेक्ट ताने यूटा होते एफ ही यूटा एफ ही सहित सामान तेल लेंथ दुटाक लेंस भितर डिस्टेंसटा के ना भिओ प्लस एफ तेल से केस्रे ये केस्रे लेंथटा के भिओ प्लस एफ क्लीयर ताने जितेबले भिटा डी से लेंथटा भिओ प्लस यू जितेबले भिटा इनफाइनाइट से लेंथटा हो प्लस यू जगह एफ ही पड़ो कारण ऑब्जेक्ट डिस्टेंसटा फोकल लेंथ सहित सामान हेले जाए इमेजा फर्मेसन हम इनफाइनाइट रे क्लियर तो ये हूँ ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप यही फर्मूला को बेस करके प्रॉब्लम आसे यही फर्मूला को बेस करके भी आसे कन्सेप्ट वाइज जदि तार दुईटा लेंथ को यूज करोश्चिन् पचारिपर लेंथ अफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब को यूज करके ओके हाउ ओके थैंक यू।